इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर भी हम वर्क डन निकालते हैं, फिर से Q1 और फिर से Q2। इस एग्जांपल को करने से पहले वही एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट वाला। अब इमेजिन करो कि एक चार्ज पड़ा हुआ है Q1, पोटेंशियल एनर्जी में हम दूसरे चार्ज को कहां से लाए थे, फ्रॉम इंफिनिटी, और कहां पे रखा था, यहां पे रखा था r डिस्टेंस पे। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी। मैं ये बोलता हूं या कोई मुझे स्टूडेंट बोलता है काम क्यों नहीं करते, वो स्टूडेंट अभी क्लास में एंटर कर गया और सपोज वो यहां बैठा था अभी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा है ना, ठीक है, आप ले आए उसको इन्फिनिटी से, आपने वर्क डन करके किस तरीके से आपने यहां रख दिया उसे, आप इस स्टूडेंट को यहां से उठा के वहां पे रख दो या उस चार्ज को उठा के यहां से उठा के वहां रख दो, तो मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्यों, क्योंकि ये इसे क्या कर रहा है, रिपेल, मुझे नहीं करने देगा, तो मैं इन्फिनिटी पे काम नहीं कर रहा, मैं इस पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी पे काम कर रहा हूं और इस चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही काम कर रहा हूं, इन्फिनिटी पे कोई काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं ये वर्क डन कैलकुलेट करूं, कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो आप एक चीज नोट करें, पोटेंशियल डिफरेंस से मैंने इन्फिनिटी लिया ही नहीं, मैंने क्या पॉइंट लिया, ए, और ए से चार्ज को कहां लेके आ रहा हूं, बी पे, इन्फिनिटी का चक्कर ही नहीं है, और कौन से चार्ज को लेके आ रहा हूं, Q2। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये चार्ज Q1 Q2 को रिपेल करेगा और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट है, तो एंगल उनके बीच में 180 सेम, बस लिमिट्स का फर्क है। पोटेंशियल एनर्जी में लिमिट्स लगी थी इन्फिनिटी से आर, इसके अंदर लिमिट्स लगेंगी आर ए से लेके आर बी तक, आर ए से लेके आर बी तक। क्या ये पॉइंट क्लियर है, आर ए से लेके आर बी तक, इसके अंदर इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो -1/x आएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास ये टर्म आ गई, x की जगह एक बार अपर लिमिट, x की जगह एक बार लोअर लिमिट, तो आपके पास वर्क डन का ये फॉर्मूला आ गया। कोई डाउट इसमें, वर्क डन आ गया यहां तक, ठीक है यहां तक। अब ये वर्क डन आया, पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी छोटी क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बस आपको इतना ही आता है, इसके ऊपर कुछ आता नहीं है, याद ही कर रखे आपने। अब ये डेफिनेशन आई कहां से, अब डेफिनेशन ये आई कि आपने वर्क डन कर दिया, ये आ गया वर्क डन, आपने वर्क डन क्या किया, चार्ज Q2 को उठा के बी पॉइंट से ए पॉइंट पे रख दिया, यही आपने काम किया, कितने चार्ज को उठा के रखा, Q1 की Q2, रूल नंबर 1, Q2 इज अ टेस्ट चार्ज, जिसको उठा के रखा जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करता, Q1 ही करेगा, Q2 नहीं करेगा, याद, ये अजम्पशन है, ऐसे Q2 करते हैं पर Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसिडर करते नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से पोटेंशियल को निकालना है, अगर उसको भी ले लेंगे फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ये टेस्ट चार्ज है, तो कितने चार्ज को रखा, Q2, जितना भी आपने वर्क डन किया चार्ज Q2 को रखने के लिए, उसको अगर आप Q2 से डिवाइड कर दें वर्क डन को, तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बना, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट्स क्या होंगे, जूल, नहीं, जूल पर कूलम, ठीक है यहां तक। अब एक बार अगर रिवाइज करें, पहला एक्सप्रेशन क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज Q2 को लेके आए थे कहां से, इंफिनिटी से आर, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, और सिर्फ वर्क डन निकाला था तो यूनिट्स क्या थे, जूल। पोटेंशियल डिफरेंस में इंफिनिटी पे काम नहीं होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे होगा, Q2 चार्ज को लाया जाएगा, और इसकी डेफिनेशन वर्क डन नहीं है, वर्क डन बाय Q2 है, तो इसके यूनिट्स क्या हैं, जूल पर कूलम। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,